हेलो, मेरा नाम है चंद्र हास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस की ट्रिक्स, और यहाँ पे हम कुछ तरीकों को सीखेंगे जिनके जरिए आप अपने क्वेश्चन करने के टाइम को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन प्री एग्ज़ाम में आपका आता है, 5 नंबर में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं रहते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन आपको पता है हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ पे आपको आखिरी में सिंप्लीफाई ही करना होता है, तो सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस आपके लिए मस्ट है। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 3:2 / 11, ये आपका यहाँ पे ब्रैकेट है, -105 = x - 1880। अब इसको सॉल्व करना है आपको, एक्स की वैल्यू बतानी। यहाँ पे एक्स भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लिखा हो सकता है, दोनों का वही मतलब है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपका पोर्शन है इसको आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे, कि पहले इसको यहाँ पे घटा करके देखिए कितना आता है, फिर आप इसको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आप अगर इसको बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 × 3 = 33 + 2 = 35, कितना हो जाएगा, 35/11 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको आप माइनस कर लीजिए, देखिए 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, फिर यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, ये 14 बचेगा, तो ये मतलब 4 बचेगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और फिर यहाँ पे 6 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2585 ये आपका आ गया। माइनस में 105 है। अब आप चाहें तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कि 1880 माइनस में है, इसको इधर लेकर के आप आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब क्या है कहने का, कि 1880 में से 105 आपको घटा लेना है, तो 100 घटा लीजिए, पूरा का पूरा 1780 होगा, 5 और घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस में वैल्यू आएगी, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1775। ओके, अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 11 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 11 × 2 = 22 हो जाएगा, 3 बचेगा कितनी बार जाएगा, 11 × 3 = 33 होगा, 5 बचेगा, 11 × 5 = 35 हो जाएगा। अब ये कितना आएगा, 35 × यहाँ पे 235 + 1775। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जितना समय आपको लगेगा इसी में लगेगा इन दोनों को गुणा करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, कि आप 235 को ऐसे ब्रेक कर लीजिए 200 + 35 में, और ये अगर आप दिमाग में कर लें, मतलब मेंटली कर लें, तो ज़्यादा अच्छा है। 35 × अगर 2 करेंगे, मतलब 200 करेंगे, तो आपको पता है 2 से गुणा होगा कितना होगा, 35 × 70 होगा जाएगा, तो ये 7000 हो जाएगा। प्लस में 35 × 35 कितना होता है, ये तो सबको पता होता है कितना होगा, तो हो जाएगा 1225। ओके, प्लस में 1775। ओके, बस आपको अब क्या करना है, ऐड करना है, और कुछ रह ही नहीं गया। जो आप टाइम लगाते यहाँ पे लगाते, और इसको अगर आपने ब्रेक कर लिया इस तरीके से, तो वो टाइम भी अब नहीं लगेगा। दिमाग में ही आप सोच सकते हैं, तो 35 × 2 करूँगा तो 7000 आएगा, 35 × 35 करूँगा 1225 आएगा। ओके, आप चाहते तो इसको एक लाइन में ऐसे नीचे भी लिख सकते थे, क्योंकि आपको ऐड करना है, आप नीचे लिख लीजिए एक लाइन में, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 × 2 = 10 हो जाएगा, 7 × 2 = 10 हो जाएगा, 7 × 3 = 10 हो जाएगा, कितना गया, 10000 आ गया। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मार्क और इसकी पावर 0.8 है, अपॉन में 49 है, 189 अपॉन में क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, 2.2 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे बताना है कि ये क्या वैल्यू देगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई इनको कर लेंगे, पता है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क सेम ही रहेगा, तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क और पावर क्या है, 2.2.8, कितना हो जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी, 3, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 49 × 189। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, गुणा करके देख लीजिए ये मतलब कितनी वैल्यू आपको दे रहा है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इनको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करने में समझ आएगा। 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 लिख सकते हैं। इसी तरह 189 को क्या लिख सकते हैं, आप इसको 9 से अगर डिवाइड करेंगे, या 3 से कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप 3 से करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 कितना हो जाएगा, 63 आ जाएगा। फिर ये कितनी बार जाएगा, 7 × 9, मतलब 7 × 9 ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पे पावर 3 है, इसका मतलब अगर आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट बना देगा, ऐसे बनाएगा ना, क्यूब रूट, इसका मतलब अंदर जो 3 बार होगा वो 1 बार बाहर आ जाएगा। तो देखिए 7 3 बार है, तो 7 आ गया बाहर। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 है और ये 9 है,
9 को आप 3 × 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 भी 3 बार हो गया, 3 बार आ गया। इसका आंसर क्या हो गया? 21। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। कैसे करना है आपको इस पे ध्यान देना है, जो प्रोसीजर है उस पे ध्यान देना है। मल्टीप्लाई करके भी इसको कर सकते थे तो आपका 21 का क्यूब आता, 9200 समथिंग आपको प्राप्त होता, लेकिन उसमें आपका बहुत टाइम जाता। इसमें आपको टाइम कम लगेगा, टाइम ही आपको कम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको बॉड मास जो रूल है उसको अपनाना है। ओके, सबसे पहले जितने मिक्स फ्रैक्शन हैं इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 7/2 हो जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 1 = 3, 1 = 4 हो जाएगा, 4/3 हो गया। ओके, और फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 9 हो गया, 9/4 हो गया। फिर क्या है, डिवाइड है। ओके, 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 16, कितना हो गया, 16/9 हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क आपकी वैल्यू है। अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, या फिर आप इन तीनों को एक लाइन से लिख सकते हैं। कैसे, 7/2 + 4/3 × 9/14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए जैसे 4 से 4 कट गया, 3 × 3 = 9 हो गया, पूरा का पूरा कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27, और यहाँ पे 7/2 है, और ये 27/16 हो गया। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 16 आ जाएगा, 2 × 8 = 16, 8 × 7 = 56, 56 हो गया, प्लस में 16 × 1 = 16, और ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 76, और 7 ऐड करेंगे तो ये आपका 7 × 6 = 13, 83/16, ये आपको वैल्यू प्राप्त हुई। अब देखिए आपको जो आंसर है वो डेसिमल में मिल रहा है, तो आपको आंसर के अकॉर्डिंग ही अपने जो सिंप्लीफिकेशन उसको कन्वर्ट करना है। तो 83/16 कहीं आंसर नहीं, तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा। अब देखिए 5 आ गया, 5 किस में है, एक तो सेकंड वाले में है और एक थर्ड वाले में है, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, बाकी तो ये दोनों, ये तीनों क्या हो गए आपके, वैसे ही खत्म हो गए। फिर यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 16 × 16 हो जाएगा, 5.1। अब देखिए 5.1 किस में है, तो केवल थर्ड वाले में है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये भी आपका गलत हो गया। तो पूरा सॉल्व नहीं भी करेंगे, अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करेंगे, ये लाएंगे तभी आपको एग्ज़ाम में नंबर मिलेगा, वरना कॉपी चेक होगी तो नहीं नंबर मिलेगा क्योंकि सॉल्व नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। आपको अप्रॉक्सीमेट भी अगर आप कर सकते हैं और आपको आंसर मिल रहा है सही, तो आप उसको करके आगे बढ़िए। ओके, अगला यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इनमें बहुत सारी ट्रिक्स आप अपना सकते हैं। जैसे लिखा है 21/35 ऑफ 480। अब आपको अगर पता है, मतलब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस हो रहा है, परसेंट ऑफ, ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं, तो आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, दोनों ही आपको आने चाहिए। ओके, कहीं भी दोनों हेल्प कर सकते हैं। जैसे 21/35 है, अब आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 से काट के 7 × 21 = 7/5, ऐसे कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पता है 21/35 या 3/5 का मतलब क्या होता है, 60% के, इसका मतलब क्या होता है, 60%, ये वैल्यू आपको पता है तो आप 480 निकाल सकते हैं। 480 का 60% कितना होगा, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसका 50% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240। और फिर क्या बचा, 60% को 50 + 10% में हमने तोड़ लिया, तो 50% 240 और 10% कितना हो जाएगा, 48। देखिए इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, मैंने कुछ नहीं किया, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई काटना वटना नहीं, सीधा सीधा सिंपल हिसाब यहाँ पे हो गया। इसी तरह इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, 187.5% ऑफ 560। अब आप इसको अगर देखिए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस पूरे इस परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, आप करेंगे 100 प्लस में 87.5%, ये आप कर सकते हैं इसको कन्वर्ट। ओके, और ऑफ ये आपका क्या रहेगा, 560। ओके, ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 100% किसी भी नंबर का क्या होगा, 560 आ जाएगा। 87.5% क्या होगा, बस ये आपको पता होना चाहिए। अब 87.5% अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा, और वो आपको नहीं लगाना है। तो इस टाइम को आप कैसे बचाएंगे कि आप इसको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर सकें, अगर आपको पता है इसके फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिए। क्या होती है अभी बताता हूँ। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्या है, 78.7% ऑफ 720। अब आप इसको चाहें तो अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, आप देखिए एकदम एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अप्रॉक्सीमेट करके थोड़ा सा अपना समय बचा सकते हैं। कि अगर आप देखिए, आपको पता होगा कि एक आपका परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन में होता है 77.7%, किसकी वैल्यू होती है आपको पता है, नहीं पता है तो बताता हूँ। तो आप इसको 77.7% + 1% में आप इसको तोड़ लीजिए, ऑफ 720 कर दीजिए,
77.7% हम इसका निकाल लेंगे आसानी से, और 1% किसी भी नंबर का बड़े आसानी से निकल सकता है। तो अगर आपने इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया, अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब ये जो काम मैंने किया है, 100% ऑफ ये लिखा है, 77.7% ऑफ दिस लिखा है, ये आपके समझाने के लिए है। एग्जाम में आप इसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसका नंबर नहीं मिलता। आप डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैंने ये वैल्यूज लिखी हैं, इसको आप लिखेंगे 240 प्लस 48 लिखेंगे, प्लस 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप लिखेंगे 560 हो जाएगी। तो 87.5% होता है किसके बराबर, 7/8 के बराबर होता है, 7/8 के। तो अगर यहाँ पे 7/8 होता 560 के, तो 8×56 70 बार में पूरा का पूरा कट जाता, और 70×7 करते तो कितना आता, 490 आ जाता। बस ऐसे लिख लेते। 77.7% जो लिखा हुआ है ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 7/9 के। मतलब ये 77.7 नहीं होता, ये 777 ये चलता रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट होना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हो सकता है आपको थोड़ा सा एक दो नंबर आपका आगे पीछे हो जाए। और देखिए इतना पास पास भी यहाँ पे ऑप्शन लिख नहीं रखा है कि एक एक नंबर का गैप हो, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। 7/9 अगर आप करिए 720 का, तो 9×8=72 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा 80 बार में, 8×56 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 560। प्लस में 1% की वैल्यू कितनी होगी, इसकी 1% की वैल्यू तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कितना जाएगा 7.2%। अब देखिए पूरा जो मल्टीप्लिकेशन था इसको हमने कन्वर्ट कर लिया एडिशन में, अब बस आपको ऐड कर लेना है और कुछ करना ही नहीं है। ओके, तो आप इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा ये, मतलब ऐसे ऐड करिए 0×8, ये 0 हो गया, 0, 0, 0, और यहाँ पे 7 बचा, ये 0.2 आप पहले लगा लीजिए, 0.2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8×7=15 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 5। ओके, फिर 1 बचेगा, तो ये 4×1=5 हो गया, 5×4=9, 9×6=15, 15×9=24, 24×6=30, कितना आ गया, 30 का मतलब ये 0 आ गया। ओके, 3 बचा, 3×2=5, और 5×5=10, 10×4 कितना हो जाएगा, 14, 14×5 कितना हो जाएगा, 19, कितना आ गया, 1905। ये वैल्यू आपको 1905.2 ये आपको आंसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे थोड़ा सा हमने अप्रॉक्सीमेशन किया था, इस वजह से एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो आप देखिए थर्ड वाला ऑप्शन क्या करें, 1904.64, तो आप कहेंगे यही इसके सबसे करीब आपको आंसर मिल रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी कोई भी नंबर इतना आसपास, ये 1964 है जो कि काफ़ी दूर है, मैंने कहा बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा यहाँ पे इस वजह से। तो आप अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर प्राप्त होगा, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, बात समझ में, कैसे आपको करना है, यही ट्रिक्स हैं कि आप कैसे अपना समय कम कर सकते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं, मतलब घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि जो अंडर रूट है उसका स्कोप कहाँ तक है, और उसके अंदर की वैल्यूज को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप देखिए जैसे ये 4 है, कई सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, आप स्क्रीन में इतना छोटा दिखता है समझ नहीं पाते, सोचते हैं 4 भी इसी अंडर रूट के स्कोप के अंदर ही है, जबकि इसके बाहर है। ये बात आपको समझ में आई, अंदर वाली वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16×25 करेंगे कितना आ जाएगा, 400। ओके, तो आप इसको 400 लिख सकते हैं, आप अंडर रूट ऐसे चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे 400 हुआ, तो आपको यहाँ पे कॉर्नर में दूंगा प्लेलिस्ट का लिंक, आप जाके देखिएगा, वहाँ से आपको पता चले। किसी भी नंबर को अगर 25 से गुणा करना है तो आप उसको 4 से डिवाइड करिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसका वैल्यू मिल जाएगी। और ये मेंटली हो सकता है, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना का पता है। माइनस करेंगे, ये क्या है देखिए, 7×2³ प्लस में 2³×5² कितना होगा, तो आपको ये देखना है। जैसे 2³ है तो 2³ कितना होता है, 8 होता है, 8×7 करेंगे कितना आएगा, 56 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 56 आ गई। प्लस ये क्या है, 2³ मतलब 8 हो गया, और यहाँ पे 5² हो गया मतलब 25, 25×8 कितना होता है, 200। तो दोनों को ऐड करिए कितना आ गया, 256, तो हमने इसको सीधे डायरेक्टली लिख लिया 256। प्लस में 4 बाहर है और ये 2 की पावर आपको निकालना है। 256 और ये 400, इनको अगर हम घटाएं तो कितना मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4×1 कितना गया, अंडर रूट में 144, और ये प्लस 4 भी है, इज इक्वल टू 2 की पावर समथिंग। तो 44 का मतलब क्या हो, 144 का मतलब होता है स्क्वायर में, इसका मतलब आ जाएगा 12+4 कितना हो गया, 2 की पावर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कितना हो जाएगा, 16। 16 क्या होता है, 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है। ओके, तो ये 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 5वां वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसी तरह। यहाँ पे देखिए ये आपको क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन देखने में ही इतना अजीब लग रहा है और देखने में इतना कठिन लगता है, लेकिन है नहीं वास्तव में, बस दिखता ऐसे है, आपको बस ध्यान देना है आपको करना क्या है यहाँ पे। तो आपको देखिए अंडर रूट लगाया हुआ है, ओके,
और उसके बाद फिर यहाँ पे आपके लिए एक बड़ा ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, ये लिखा हुआ 1.012 प्लस 0.288 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। ओके, इसी तरह यहाँ पे है तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, फिर स्क्वायर करिए। प्लस में 1.47 है, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको क्यूब करेंगे, मतलब इन सारी वैल्यूज़ को निकालिए, ऐड करिए, फिर इसका क्यूब करिए, फिर मल्टीप्लाइड बाय टू। और ये इसके स्कोप के अंदर है, देखिएगा जो स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा हुआ है उसके स्कोप के अंदर है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 8 1 9 1 10 हो जाएगा, फिर से 0 आ गया, फिर ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पॉइंट आएगा 1, तो ये कितना आ गया, 1.3, 1.3 का स्क्वायर। ओके, प्लस में ये कितना हो गया, तो ये देखिए 7 3 10 हो जाएगा, और 8 3 11, 11 1 12 हो जाएगा, और 12 होगा तो 1 बचेगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2.2 आ गया इसका स्क्वायर, प्लस में 1.47। ओके, ये वैल्यू आपको प्राप्त होती है। और इसका क्या कर रहे हैं, हम क्यूब कर रहे हैं। ओके, ये हमने कर दिया इसका क्यूब, और मल्टीप्लाइड बाय टू, और इस पूरे का हमने निकाल लिया अंडर रूट। 16 को अभी हम उधर ही रखते हैं। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.69, 169 होता है। इसी तरह 2.2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.84। प्लस में कितना हो जाएगा, 1.47। इस पूरे का हमको करना है क्या, होल क्यूब करना है, मल्टीप्लाइड बाय टू, और ये क्या हो गया, अंडर रूट। ओके, अब एग्ज़ाम में आप चाहें अपना समय बचाने के लिए, आपको पता है कि ये अंडर रूट है तो इतना पूरा लंबा खींची नहीं हो, पूरा स्कोप के अंदर ही है, तो आप केवल इतनी सी लाइन केवल खींच सकते हैं अपने एग्ज़ाम में समय बचाने के लिए, कि अंडर रूट के अंदर ही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इसको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20, तो आ गया 0, 2 बचेगा, ये 8 हो जाएगा, 8 8 16, 16 4 20, फिर से 2 आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ गया, 2 1 3, 3 और 4 7, 7 1 8, कितना गया, 8, 8.0, और इसका होल क्यूब इंटू में 2, होल क्यूब है। ओके, ये स्क्वायर के अंदर ही है, तो इसका होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 8, 64 गुणे में फिर से 8 करेंगे, 512, और 512 गुणे में 2 कितना हो जाएगा, 1024, और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 16 इंटू में क्वेश्चन मार्क, ये किसका होता है स्क्वायर, तो ये होता है 32 का, और ये आ गया 16 गुणे में क्वेश्चन मार्क, 16 2 32, कितनी वैल्यू आ गई, 2। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ वाला सही हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देख करके बहुत सारे लोग डर जाते हैं, यहाँ पे पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, समझ नहीं आता एग्जाम में, दिमाग फेल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी करना है, आप उसको पॉइंट को भूल करके करिए, पॉइंट का जो भी हिसाब किताब है आखिरी में हम करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इसको अगर सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ओके, 1/3 लिखा हुआ है, मतलब क्यूब रूट निकालना है, फिर आपको 640 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिए, मतलब आप सोचिए पॉइंट है नहीं, तो 4 2 8 हो गया, और 8 गुणे में 64, अभी हमने निकाला था कितना होता है, 512, तो ये आ गया 512, लेकिन अभी पॉइंट लगाना बाकी है, पॉइंट को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ही लगाएंगे। तो सब मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो पॉइंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट हैं, तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 6, फिर यहाँ पे 7 8 9, 9 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पे तो 3 डिजिट हैं, तो क्या करते हैं, आगे 0 बढ़ा लेंगे, तो हो गया 4 5 6 7 8 9, पॉइंट लगा के यहाँ पे हमने कर लिया, ये वैल्यू आ गई, और इसका हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 640 से। ओके, अब इसका आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसका क्यूब रूट निकाल ही लें, 512 समझ के जरूरी नहीं कि आप निकाल ही लें, आपको देखना होगा इसके आगे जो जीरोज़ हैं वो कैसे आपके फॉर्म हुए हैं। 512 तो 8 का क्यूब होता है, हमको पता है, लेकिन जीरो देखिए किस फॉर्म में है, तो ये देखिए 0 0 0 0 0, मतलब 3 पेयर यहाँ पे ज़ीरो के हैं, 3 पेयर आपके ज़ीरो के हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे आप इसका निकाल सकते हैं क्यूब रूट। तो 512 का क्या होता है ये तो आपको पता ही है, 8 का होता है इसके आगे, लेकिन जीरो कितने लगेंगे वो आपको समझना है। देखिए यहाँ पे कितने जीरो आए हैं, 6 जीरो आए हैं, तो 6 जीरो कब आएंगे, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होता है, तो अगर यहाँ आगे 2 जीरो होंगे तभी तो मल्टीप्लाई, जब 3 बार ये होंगे तो 6 जीरो आ पाएंगे, तो ये कितना गया, 0.008 मल्टीप्लाइड बाय 640। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर से भाई 8 गुणे 64 करेंगे, कितना आएगा, 512 ही प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आपको लगाना है, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद यहाँ पे लगना है। अब यहाँ पे 640, अगर केवल 8 इसको लिखते तो ये आता ये 5120, और फिर यहाँ पे जब आपको 0 लगाना पड़ रहा है तो ये कहाँ पे आएगा, 3 डिजिट के बाद 0, तो यहाँ पे आ जाएगा
5.12। अब इक्वल के इधर की बात करिए, 2 की पावर में समथिंग है डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू में 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 4, 5 के स्क्वायर का मतलब 25 गुणे 4 100 आ गया। ओके, 100 का मल्टीप्लाई आपको इधर करना है, 100 का मल्टीप्लाई अगर आप इधर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा और 2 की पावर समथिंग। अब बताइए 2 की कौन सी पावर में 512 आता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है, आपको पता है कि 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 2 की पावर 9 ही ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा, 512। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसका कलर बदल गया, मतलब यहाँ से हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस भी देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेट के अगर करना है तो कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वैल्यू लिखिए, 105.27% ऑफ 1200.11%। तो आप चाहें तो आप अप्रॉक्सीमेट ना करें तो भी वैल्यू आपको निकल आएगी, बस उसमें टाइम लगता है। और जब आप अप्रॉक्सीमेट करें तो आप सबसे पहले ऑप्शंस को देखें कि उनके बीच का गैप कितना है। यहाँ पे देखिए 500, 240, 310, 550, 960, गैप काफ़ी है। तो गैप काफ़ी होने का मतलब है कि आप अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे वैल्यूज़ को ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे 105.27% है, तो इसको मैं 105 डायरेक्ट लिख सकता हूँ परसेंट। ओके, 105% ऑफ 1200 ऐसे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ। ओके, जीरो से जीरो आपका कट जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1260। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी नीचे प्लस ही कर दूंगा मैं, 11.80% है ऑफ 2360.85 है, तो मैं इतना ही रखता हूँ इसको। अब इसको अगर मैं 12% कर दूँ तो 12% करने का मतलब क्या हो जाएगा, 12% ये आपका आ गया इंटू में 2360। अब इसको कैंसिल आउट अगर आप करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, जीरो से जीरो कट गया, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड कर दिया 23.6 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 12×72 हो गया, 2 बचा या 2 आ गया 7 बचेगा, 12×3 36, 36×7 43, 3 आ गया 4 बचेगा, 12×2 24 और 4×28 कितना आ गया, तो ये मतलब आ गया एक अंक के बाद दशमलव में 283.2। ओके, प्लस यहाँ पे है नहीं, फिर इक्वल है 21.99% ऑफ समथिंग, मतलब 22% की वैल्यू आपसे पूछा गया है किसी की, एक समान लेते हैं, प्लस में 1420.99, तो आप इसको 1421 कर लीजिए, 1421 हमने कर लिया। अब इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू इधर आ करके घटेगी, इन दोनों को ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो ये देखिए 0.2 हो गया और यहाँ पे आ गया 3 और 8×6 कितना हो गया 14, तो ये आ गया 4, एक बचेगा तो ये आपका यहाँ पे आ गया 2×2 4×1 5 आ गया, और फिर ये 1543, इसमें से 1421 को हम घटा लें कितनी वैल्यू आएगी, 0.2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 122.2, और ये किसके इक्वल में है, 22/100 के, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 122/22 कर लीजिए इंटू में 100 कर लीजिए। ओके, 0.2 चाहे रखिए चाहे मत रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 से काटें 11 बार जाएगा, 2×6 12, 2×1 2 11 से काटिए कितनी बार आप ले जा सकते हैं, तो 11×5 55 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे बचेगा गया 6, फिर से 5 बार ले जाएंगे, तो ये आपका 5.5 समथिंग टाइम से कटता जाएगा। तो मतलब अगर 100 से गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, तो 550 के आसपास ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन है क्या, तो ये आ गया फोर्थ वाला ऑप्शन, 550 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 0.98% ऑफ 7824, तो ये आप समझ सकते हैं 1% हो जाएगा, किसी भी नंबर का 1% होने का मतलब इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं सीधे 78.24। ओके, इसको अप्रॉक्सीमेट करने की जरूरत नहीं। प्लस में यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये है 4842 डिवाइडेड बाई 119.46, तो आप 120 से सीधे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4842 को 120 से डिवाइड करके देख लीजिए, 12 से काटिए 12×4 48 हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, फिर ये आपका आ जाएगा जीरो, आप बीच में लगा लीजिए, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 12×3 36 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 बचेगा 12×5 60 हो जाएगा, पॉइंट लगा करके ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको पता है नीचे भी एक जीरो, तो ये पॉइंट यहाँ नहीं बल्कि यहाँ जाके लगेगा। ओके, इस वाले जीरो का भी, तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको प्राप्त हो गया 40.35, ये वैल्यू आपको प्राप्त हुई। अब क्या कह रहे हैं कि माइनस हो रहा है इससे कुछ, इनसे कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, वो किसके बराबर है, 78 के बराबर है, मतलब इसको आप इधर लेके जाइए, इसको आप इधर लेके आइए, मतलब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 78.24 और 40.35, इन दोनों को ऐड करिए तो 5×4 9 3×2 5 8 7×4 11 118.79 आ गया। इसमें से ये 78 जो आ रहा है इसको आप घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 0.59
और ये आ गया 0, और ये आपका 11 में से 7 चला जाएगा तो ये कितना जाएगा 4, 40 शब्दों में 5, 9। ओके, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। तो यही एक्स की वैल्यू आपकी हो जाती है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? देखिए तो 40 के आसपास ये थर्ड वाला ऑप्शन है, 40, यहाँ पे 40.59 है क्योंकि अप्रॉक्सीमेट किया, तो ये इसका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है 41.99 स्क्वायर माइनस में 18.04 स्क्वायर डिवाइडेड बाय समथिंग है और इज इक्वल टू 13.11 स्क्वायर माइनस में 138.99। अब ये जो वैल्यू है, मैं चाहूँगा आप इसको सॉल्व करके खुद से देखिएगा इसका क्या आंसर आता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने समय में आपने इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल लिया। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो मैंने सिंप्लीफिकेशन में आपको कराएं, और आपको तरीके भी बताएं कैसे आप अपने कैलकुलेशन के समय को कम कर सकते हैं। वो तरीके अगर आपने सीख लिए हैं तो आपकी कैलकुलेशन, चाहे वो अप्रॉक्सीमेशन हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको लगा सकते हैं और अपना सवाल कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।